लखनऊ में मायावती की अहम बैठक। अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी बहन जी, ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से आई हैं। आज बसपा कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने अहम बैठक की। इस बैठक में इसी साल होने वाले चार राज्यों के विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन किया गया और चुनावी रणनीति तैयार की गई। मायावती ने इस बैठक में साफ कर दिया कि वो चुनाव में अकेले अपने दम पर उतरने जा रही हैं। बीएसपी की ओर से शेयर की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक मायावती ने कहा, यूपी में गठबंधन करके बीएसपी को लाभ के बजाय नुकसान ही ज्यादा उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारी पार्टी का वोट स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी अपना वोट हमारे उम्मीदवार को ट्रांसफर कराने की न सही से नियत रखती है और न ही क्षमता, जिससे पार्टी के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है और इसलिए इस कड़वी हकीकत को पूरे तौर से नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इस वजह से बीएसपी सत्ता और विपक्ष दोनों गठबंधनों से अलग और दूर रहेगी, यानी मायावती ना ही बीजेपी के एनडीए में शामिल होंगी और ना ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन में, वो अकेले ही चुनाव में उतरने जा रही हैं। मायावती ने भाजपा पर भी निशाना साधा और उसे नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी करार दिया। मायावती ने कहा, सत्ताधारी भाजपा की संकीर्ण जातिवादी सांप्रदायिक राजनीति और द्वेषपूर्ण एवं अराजकता को प्रश्रय देने वाले कार्यकलापों आदि के कारण सभी लोगों का जीवन दुखी और त्रस्त है। इस कारण भाजपा अपना प्रभावी नहीं बल्कि अपना जनाधार भी लगातार खो रही है और ये प्रक्रिया आगे जारी रहने वाली है, जिससे लोकसभा का चुनाव यूपी में एक तरफा न होकर काफी दिलचस्प व देश की राजनीति को नई करवट देने वाला साबित होगा। मायावती की इस बैठक में उनके भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी दिखाई दिए। आकाश आनंद इन दिनों राजस्थान में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो खास तौर पर बैठक में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में इन पार्टियों को भारी नुकसान होने वाला है। मायावती ने कहा, कांग्रेस पार्टी की तरह भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनके राज में लोगों की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाने के कारण कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों अर्थात देश के बहुजन लोगों को परिवार का पालन पोषण करने में भी दिक्कत हो रही है। इन सब का अगले लोकसभा चुनाव में असर होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में ये हवा तेज है कि कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज मायावती ने साफ कर दिया कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगी। मायावती की एकला चलो रणनीति पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।